कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ स्थित है? दोस्तों, इंद्र देव ने जब कर्ण से कवच और कुंडल मांगा तो दोस्तों इंद्र देव ने स्वर्ग लोक ना लेके जा सका। आखिर दोस्तों इंद्र देव ने कवच और कुंडल कहाँ छुपाए हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर दोस्तों आप ये भी जानना चाहते हैं कि कर्ण को कवच और कुंडल कैसे मिला और क्यों मिला, तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। आज दोस्तों हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ स्थित है और इंद्र देव ने कवच और कुंडल कहाँ छुपाए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों महाभारत से जुड़े हमने कई कहानी और किस्से सुने हैं, लेकिन दोस्तों महाभारत का एक ऐसा रहस्य जो आज भी जीवित है, जिसके बारे में आज भी कई लोग नहीं जानते। दानवीर कर्ण से जुड़े एक अनोखा रहस्य जो आज भी इस गुफा में जीवित है, जिसे सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। इस स्थान पर रहने वाले हमें जो बताया है, यह सुनकर हमारे भी होश उड़ गए। उन्होंने हमें सूर्य पुत्र कर्ण से जुड़े एक ऐसा रहस्य बताया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में, जिसे इंद्र देव ने एक ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण से दान में मांग लिया था। दानवीर कर्ण ने भी बिना सोचे समझे इंद्र देव को दान में अपना कवच और कुंडल दे डाला था। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि दान में दिए गए कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ? शायद ही इस बात को कोई जानता होगा कि कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ कर्ण का कवच और कुंडल आज भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, कर्ण का कवच और कुंडल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित एक रहस्यमयी गुफा के अंदर मौजूद है। दोस्तों आपको बता दें कि कर्ण के कवच और कुंडल से भी सूर्य की किरणों के समान रोशनी आया करती थी। अतः इस गुफा के पास रहने वाले लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार कर्ण के कवच और कुंडल से पीली रंग की रोशनी को आते हुए देखा है। साथ ही यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि इंद्र देव ने जब सूर्य पुत्र कर्ण से छल पूर्वक उनका कवच और कुंडल लिया, तो सूर्य देव के श्राप के कारण इंद्र देव कवच और कुंडल अपने साथ स्वर्ग लोक नहीं लेके जा सकते थे। दोस्तों इस बात को तो हमने भी पुराणों में सुना है, लेकिन इसके बाद कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ, किसी को नहीं पता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले लोग का कहना है कि कई श्राप के कारण इंद्र देव का रथ इसी गुफा के पास धस गया था, जिसके पहिए के निशान आज भी यहाँ मौजूद है। इसके बाद इंद्र देव ने कवच और कुंडल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर की एक गुफा में छुपा दिया था, जहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस गुफा से आज भी पीली रंग की रोशनी निकलती है, जिसे कर्ण के कवच और कुंडल की रोशनी माना जाता है। दोस्तों वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। अब दोस्तों स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गुफा के अंदर जाने का रास्ता चारों तरफ से बंद है, बस एक छोटा सा स्थान है जहाँ से कवच कुंडल का रोशनी दिखाई देती है। इस गुफा के अंदर सूर्य की किरणें आने की कोई स्थान नहीं है, जिससे ये माना जाए कि ये रोशनी सूर्य के किरणों की है। लेकिन दोस्तों कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ है, इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। कोई बताता है कि कर्ण का कवच और कुंडल हिमालय में स्थित किसी गुफा में मौजूद है, तो कोई कहता है कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर में है, तो कोई कहता है कि कर्ण का कवच और कुंडल इस गुफा में मौजूद है। परंतु इस गुफा के अंदर से आने वाली पीली रोशनी जो स्वर्ण के समान चमकती हुई दिखाई देती है, आखिर क्या है इस रोशनी का रहस्य? क्या यह वास्तव में कर्ण के कवच कुंडल से आने वाली रोशनी है, या फिर कोई अनोखा चमकदार पत्थर है जिससे सूर्य के समान किरणें निकलती है? इस बात का रहस्य अब भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों का दावा है कि यह रोशनी सिर्फ और सिर्फ कर्ण के कवच और कुंडल की है। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आप जानते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा रहस्य भरी वीडियो देखने के लिए
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।